अमेठी के संग्रामपुर कालीकंद शीतलागंज मार्ग पर सड़कों का बुरा हाल, बारिश के चलते सड़कें बड़े बड़े गड्ढों में हुई तब्दील, जनता को उठानी पड़ रही है काफी दिक्कतें, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान, ग्रामीणों में आक्रोश। बाराबंकी के सिद्धार्थ नगर जिगना में तालाब में डूबने से 36 वर्षीय युवक की मौत, शाम को टहलने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा, मृतक वाहिद अली के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, शुरू की कार्रवाई, भारी भीड़ जुटी। अमेठी सुल्तानपुर रोड पर स्थित टीवीएस एजेंसी के पास हुआ हादसा, आम का पेड़ गिरने से रिक्शा चालक राम अचल व रिक्शे पर सवार एक यात्री हुए बुरी तरह घायल, रिक्शे पर सवार दो यात्री बाल बाल बचे, दोनों घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती, चल रहा है इलाज, भारी भीड़ जुटी। सुल्तानपुर के लम्बुआ तहसील रामपुर के किंदीपुर बाजार को जोड़ने वाला सड़क मार्ग बुरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त, बारिश के चलते प्रशासन की खुली पोल, सड़क बड़े बड़े गड्ढों में हुई तब्दील, राहगीरों को आने जाने में करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, प्रशासन बना मूक दर्शक। प्रतापगढ़ में कर्नाटक में सरकार गिरने से कांग्रेसियों में दिखा भारी आक्रोश, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, कर्नाटक की राजनीति को बताया लोकतंत्र की हत्या, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन, सैकड़ों लोग जुटे। सुल्तानपुर के बल्दीराय क्षेत्र वलीपुर गांव में हुआ हादसा, कच्ची दीवार गिरने से घर में सो रही 70 वर्षीय महिला सीतापति व 8 वर्षीय श्रेयांश की मौके पर दर्दनाक मौत, चार लोग हुए गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, डॉक्टर्स ने हालत नाजुक देख सभी घायलों को किया जिला अस्पताल रेफर, घटना की सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का निरीक्षण किया, गांव में मचा हड़कंप। सुल्तानपुर के कुडवार शिवनगर रेलवे स्टेशन के पास एक युवक व युवती की लाश मिलने से मचा हड़कंप, प्रेम प्रसंग में रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने की लोगों ने जताई आशंका, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शिवरतनगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुखबिर की सूचना पर ग्राम जियापुर में स्थित एक मकान पर मारा छापा, मकान में अवैध रूप से पटाखा बनाते हुए एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार, तीन अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार, गिरफ्तार आरोपी के पास से पटाखा बनाने वाली भारी मात्रा में सामग्री बरामद हुई, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। बाराबंकी के घाघरा नदी में नेपाल से पानी छोड़ने के बाद जिले में बाढ़ का प्रकोप जारी, टेपरा व सोनावा नदी के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी, टेपरा व सोनावा में भीषण कटान जारी, नदी में पानी के उफान से प्रशासन द्वारा बनवाए गए चार कटर नदी में बहे, नदी के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों में दहशत, प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं किया गया है पुनर्वास का कोई समाधान। अमेठी में विद्युत विभाग के एमडी संजय गोयल ने किया अमेठी का दौरा, बिजली व्यवस्था व राजस्व वसूली की समीक्षा कर मीडिया से हुए रूबरू, कहा अमेठी की स्थिति संतोषजनक, बोले बाराबंकी और सुल्तानपुर में बिजली व्यवस्था मानक के हिसाब से नहीं है, कहा सुल्तानपुर में कुछ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। हमारा मेंटेनेंस का काम है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी है, आज मैंने निर्देश दिए कि प्रत्येक सब स्टेशन पे एक्स्ट्रा गैंग रखे जाएं। सुल्तानपुर के वल्दीराय बघौना गांव में मोहर्रम त्योहार को लेकर तहसील प्रशासन ने कसी कमर, लंबे समय से आ रहे ताजिया रास्ते के विवाद को लेकर प्रशासन ने रास्ता खाली करवाने के लिए कटवाए सैकड़ों पेड़, पेड़ों को बेचकर आई धनराशि को ग्राम सभा के खाते में जमा कराने का उप जिलाधिकारी ने दिया आदेश। बाराबंकी में पर्यावरण को मजबूत बनाने के लिए 15 अगस्त को 44,06,000 पौधे होंगे रोपित, वन विभाग ने तैयारियां पूरी की, 39 नर्सरियों में 55,00,000 से अधिक पौधे किए गए हैं तैयार, सरकारी विभागों और किसानों को निःशुल्क वितरित कर करवाए जाएंगे रोपित औषधीय पौधे, सहजन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में किया जाएगा रोपण, लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग के अलावा अलग अलग कई विभागों को दी गई है जिम्मेदारी। बाराबंकी में इस वर्षा काल 2019 में 44,06,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य शासन द्वारा दिया गया है। अमेठी के गौरीगंज कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय पर खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी ने की बैठक, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए की गई चर्चा, लोगों ने रखे अपने सुझाव, मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद रहे।
बाराबंकी के मोहम्मदपुर सूरतगंज कस्बे का निवासी 22 वर्षीय युवक रोशन की 10 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। मौत के दो दिन बाद जानकारी मिलने पर मृतक युवक के पिता ने 22 वर्षीय रोशन को शराब में जहर देकर हत्या करने का रोशन के ही 3 दोस्तों पर लगाया था आरोप। जिलाधिकारी के आदेश पर 15 दिन बाद मृतक रोशन का खुदवाया गया शव। SOV नायब तहसीलदार घटना पर मौजूद, शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना की जाँच में जुटी पुलिस। सच्चाई वही जो हम बताएं।